एग्जाम्पल नंबर 29 को देखो गाइज, ये भी विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड है और एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ भी है, तो आप इसको भी अच्छे समझना, अपने डाउट डिस्कस कर लें। आपसे कह रहा, आ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड्स मूव पैरेलल टू अनदर प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास एक मेटल प्लेट है, वो भी स्क्वायर शेप की है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको साइड दे रखी है एक स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया भी आपको पता होगा क्योंकि जो लेयर चल रही है वो स्क्वायर शेप में चल रही है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर साइड है तो आपके पास एरिया है, क्या है आपके पास एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये स्क्वायर प्लेट का एरिया आ गया जो मूव करेगी, मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट, एक दूसरी प्लेट के साथ ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एक वेलोसिटी भी दे रही है, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ गया बोथ प्लेट्स इमर्ज्ड इन अ वाटर, इन दोनों प्लेट को पानी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। इफ द विस्कस फोर्स इज, देखो जब पानी के अंदर डाला गया तो विस्कस फोर्स की वैल्यू जो हो गई वो 200 डाइन हो चुकी है विस्कस फोर्स की वैल्यू, एंड विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज इतने, विस्कोसिटी दे रही है आपको वाटर की कितनी है 0.01 पॉइज। हमसे कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस अपार्ट, उन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इट मीन्स dx पूछ रहा है। अब देखो किसी को भी MKS में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी यूनिट आपको CGS दे रखी है, तो आपको आंसर भी जो आएगा वो CGS में ही निकल कर आएगा। आपको पता है न्यूटन्स फॉर्मूला है विस्कोसिटी का, F=-kη। अब माइनस मत लगाओ, माइनस साइन तो जो रिप्रेजेंट करता है उसका आपको मतलब अच्छे से पता है, F=eta dv/dx। आपको dx चाहिए तो dx यहाँ रखो और f को नीचे ले जाओ, eta dv/f। जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो रख दो, eta की वैल्यू आपको गिवेन है यस 0.01, a की वैल्यू आपके पास गिवेन है यस 100 है आपके पास, एंड dv आपको पता है कितना है, dv आपके पास 10 है, रख दो जल्दी से 10, शाबाश बच्चा। f आपको 200 दे रखा, रख दो 200। 100 की मल्टीप्लाई जब 0.01 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ख़त्म। इससे ये कट जाएगा 1/20, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/20, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा गया था कि dx की वैल्यू बताओ, dx मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो आपके पास आ चुकी है 0.05 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में इतना कुछ टफ था नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है और एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है। बस यही होता है जब आपको क्लियर होते हैं ना फंडे, तो बहुत ईजिली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ईजिली आपको हर चीज़ें समझने आनी शुरू हो जाती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा टैली फेसबुक का लिंक दे रखा, जाकर के फॉलो कर लें और देखते हैं अगले क्वेश्चन को।